संबंधी परंपरा की जोड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन लोगों के सामने कुछ और ही दिखते हैं। दोनों अपने करियर पर पूरा फोकस दे रहे हैं और इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। पवन अरुण ने कई गाने एक साथ बनाए हैं, जिसके बाद लोगों ने इन्हें कपल की तरह देखना शुरू कर दिया था। अभी भी सब कंटेस्टेंट अपने अपने में बिजी हैं, लेकिन पवन अरुण एक दूसरे के साथ ही बिजी रहते हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स शो की टीआरपी के लिए इन्हें एक साथ दिखाने का कोई मौका खाली नहीं जाने देते हैं। फिर से सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक वीडियो सामने आई है, जिसने फैंस को खुश कर दिया। कल रात सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर फैंस की रोमांटिक परफॉर्मेंस होने वाली है। परफॉर्मेंस फैंस देंगे, लेकिन की परफॉर्मेंस पर पवन अरुणिता को जोड़ा जाएगा, क्योंकि फैज जो गाना गाने वाले हैं वो अरुणिता ने सेलेक्ट किया और पवन ने उनकी मदद की है। पवन और अरुणिता दोनों अपने दिल की बात फैज के गाने में कहते दिखेंगे। पवन अपनी टीम के कंटेस्टेंट को छोड़कर अरुणिता के टीम के फैज को मंच पर लेकर आते। एक तरह से फैज की आवाज में गाया गया ये गाना पवन अरुणिता के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। फैज ने बातें ये कभी ना तू भूलना गाना गाया। पवन इस गाने के जरिए अरुणिता से कहना चाहते हैं कि उनके साथ बिताए पलों को और बातों को कभी ना भूलना। सैटरडे की रात यानी कल सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रोमांस की बारिश होने वाली है। पवन कूल अंदाज में फैज के साथ एंट्री करते दिखते हैं और फैज पवन की तरह गिटार टांगते हुए कुर्सी पर बैठकर चॉकलेट बॉय की तरह गाना गाते दिखेंगे। सारे जजेस को फैज का गाना बहुत पसंद आता है और वो सब खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाते हैं। फैज इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं। तो आपको फैज की परफॉर्मेंस कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुण की सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक के बाद एक बिंदास वीडियो और फोटो सामने आ रही हैं, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, एक बार फिर पवन अरुणिता को कुछ इस अंदाज में देखा गया कि आप इनकी तारीफ किए बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुपरस्टार सिंगर 2 टीआरपी के लिए लगातार कुछ ऐसी ऐसी कहानियां ला रहा है जो फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। जी हाँ, पवन अरुण की जोड़ी के लिए एक बार फिर वो गाना गाया गया जिसने उनके परिवार में हलचल मचा दी है। जी हाँ, पवन अरुण दोनों मंच पर खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पवन अरुण को एक साथ गाना गाते देख सभी हुटिंग करने लगते हैं, लेकिन इनके परिवार में कुछ हलचल हो जाती है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये गाना ऐसे गाते हैं जैसे सच में गाने की एक्टिंग पवन अरुण ने ही की है। इनके अलावा इनकी टीम के कंटेस्टेंट भी एक से एक बिंदास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पवन की कंटेस्टेंट शायशा इस वक्त खूब सुर्खियों में। नन्ही शायशा ने पवन के साथ मिलकर एक मैं एक तू गाना गाया। पवन और शायशा को एक साथ देकर अरुणिता कैसे शांत बैठ सकती, वो भी सीट पर खड़ी हो जाती है और वहीं नाचना शुरू कर देती है। अरुणिता बाहें फैलाती हुई मस्त होकर नाचने में लगी और पवन को देखे ही जा रही है। पवन के गाने में खोई हुई है, ऐसा लग रहा है कि पवन के साथ अरुणिता भी गाना चाहती है, नाचना चाहती है और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहती है। फिर आपको इनकी जोड़ी कितनी पसंद है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुण के कंटेस्टेंट ने सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर धमाल मचाकर रख दिया। एक से एक बिंदास कंटेस्टेंट मंच पर आते ही सबका दिल खुश करके जाते हैं। पवन अरुणिता तो इनमें इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि इन्हें भी इनके साथ ठुमके लगाने पड़ते हैं। कल वाले एपिसोड में पवन अरुण ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद इन बच्चों के साथ फनी डांस भी किया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अरुणिता तो कई बार कुर्सी से उठ उठ कर नाचती नजर आई, ऐसा लग रहा था कि अरुणिता के हाथ पैर उनके कंट्रोल में नहीं रहे। एक और वीडियो में अरुणिता बहुत ही प्यारी स्टेप कर रही हैं, हाथों को लेफ्ट राइट ले जाते हुए आंखें मटकाती हुई पवन को निहार रही हैं। एक तरफ वो स्टेप कर रही हैं, दूसरे हाथ से वो कमर की साड़ी ठीक करती हैं, तो कभी कंधे की साड़ी ठीक करती हैं और उन्हें ये सब देखते हुए पवन देख लेते हैं। जब जब अरुणिता दुविधा में फंसती है तब तब पवन उनके पास ही होते हैं और इस बार पवन ने ही उनकी मदद करते हुए कुछ ऐसा किया कि आप नजारा देखकर शॉक्ड हो जाएंगे और एक बार फिर आपको इस जोड़ी पर प्यार आएगा। पवन ने अरुणिता को परेशान देखा तो दूर बैठते ही अरुणिता को इशारा करते हुए कहा कि नीचे बैठ जाओ और अरुणिता खड़े होते ही सीट पर बैठ जाती हैं। पवन अरुणिता की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
पवनदीप राज और अरुणिता कांचीलाल का कल वाला एपिसोड खूब सुर्खियों में बनाए। कल पवनदीप अरुणिता ने 90s के सितारों के सामने ऐसे ऐसे गाने गाए कि लोग देखते रह गए। पवनदीप अरुणिता तो इनके इतने बड़े फैन हैं कि इन्हें भी इनके साथ मिलकर मंच पर गाना गाना पड़ा। इनके लिए स्पेशल सॉन्ग पेश किए गए। इन्होंने अपने अपने कंटेस्टेंट से भी इनके पसंदीदा गाने गाने को बोले थे और जब अरुणिता ने उनके पसंद का गाना गाया तो पवन खुद उठकर खड़े हो गए, उनकी तारीफ करने लगे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दी। अरुणिता ने जो गाना गाया वो पवन को डेडिकेट करते हुए गाया था। अरुणिता ने हम प्यार करने वाले दुनिया से नहीं डरने वाले गाना गाया। अरुणिता का ये गाना पवन को इतना पसंद आया कि वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, उनके गाने के बोल को दोहराते हैं। कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि सच में प्यार करने वालों को डरना नहीं चाहिए, एक ना एक दिन दुनिया के सामने आना ही चाहिए। आंध्र प्रदेश में पवनदीप अरुणिता का जोरदार स्वागत किया गया और इन्हें स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया था। पवनदीप अरुणिता ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने से पहले आंध्र प्रदेश की खूबसूरत जगह का नजारा लिया, यहाँ खूब फोटोशूट करवाए, उसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस दी। पवन अरुणिता आंध्र प्रदेश किसी इवेंट को अटेंड करने नहीं गए थे बल्कि इन्हें एक शादी के फंक्शन में बुलाया गया था जहां इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। पवन अरुण ने दुल्हा दुल्हन के साथ डांस भी किया, इनके साथ दिन को खूब एंजॉय किया। पवनदीप अरुणिता ने भी कपल डांस किया। शादी में आए गेस्ट इस जोड़ी को देखकर बहुत खुश हुए, इनकी तारीफ करते तक नहीं थके। पवनदीप अरुणिता ने यहाँ सबके साथ महफिल रंगीन बना दी, हर कोई इनके लिए प्यार भरा मैसेज देते दिखा। जब ये शो करके वापस आ ही रहते तो भी इनका स्पेशल सम्मान किया गया, काफी महंगे गिफ्ट दिए गए। वहीं खबरें ऐसी भी हैं कि पवनदीप अरुणिता अपनी नई कार से आंध्र प्रदेश गए थे। वैसे भी पवनदीप को ड्राइविंग का बहुत शौक है और जब उन्हें ये मौका मिला तो वो अरुणिता के साथ चल दिए और जब उनके साथ अरुणिता होती है तो दिन और अच्छा बन जाता है। पहले आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सिंगर पवनदीप राजन को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा। फैंस बेचैन है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवनदीप के सुपरस्टार सिंगर 2 के छोड़ने की खबर सामने आ गई है। अचानक पवनदीप कैसे शो को छोड़ सकते हैं? और इन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि पहली बार पवनदीप को गुस्से से लाल होते देखा गया। उन्होंने गुस्से में आकर बड़ा कदम उठा लिया और अरुणिता का जो हाल है उसे देखकर तो आप भी घबरा सकते हैं। भरी महफिल में अरुणिता की बेइज्जती की गई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवन अरुणिता शो की जान कह जाते हैं, शान कह जाते हैं, शायद इनकी ही वजह से शो की TRP नंबर 1 पर बनी थी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान अली और पवनदीप के बीच की टक्कर पहले ही आप देख चुके हैं और शायद सलमान अली की वजह से ही मेकर्स का दिमाग बदल गया है। सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इनका कहना है कि पवनदीप अरुणिता को पीछे किया जा रहा है जबकि दानिश और सलमान को कैप्टन टीम का सपोर्ट मिला है। जनता के सपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, टीम अपनी मर्जी से इन्हें पीछे किए जा रही है। ऐसे में पवन ने तो शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। ना जाने पवनदीप किन किन चीजों का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से पवनदीप ने ये शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन अभी तक पवन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है क्योंकि हो सकता है कि पवनदीप के साथ अरुणिता भी शो छोड़ दें।